सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ तारा देसी, पत्रकार कर्मू, और भाई हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं भीतर की बात। तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सुभाष बराड़ा जी, जिन पर हम भीतर की बात करके भीतर की बांह कड़वाएंगे, क्योंकि इलेक्शन है कसूता गहमा गहमी कसूत हो रही है। तो बराड़ा साहब हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिया। राम राम कर्मू भाई, आपको, आपके सब दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। तो जी तो हम कितने बैठ के कितने आराम, तो जी भीतर की बांप कटवाओ, फिर इलेक्शन घना तकड़ा है, भागा दौड़ी में चलते चलते के सफर में लेना पड़ा। तो जी बराड़ा साहब, पहला मेरा जलेबी वर्गा सीधा सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की जो फिलहाल की मौजूदा स्थिति है, वह के देखो आप, मतलब माहौल के हिसाब से या फिर जो इलेक्शन जो होगा लोकसभा का, किसा मान रहे हो? देखो माहौल तो कर्मू भाई आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित करे, लेकिन बाकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी देश की एक टाइम की सबसे बड़ी पार्टी रही है, उसकी बात करें, दूसरी जो क्षेत्रीय दल हैं अपने हरियाणा के उनकी बात करें, ये सब अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी ने तो एक बार अपनी एक लिस्ट जारी करके बाद में ब्रेक लगा दिए, और जो जारी करी उसमें से भी फरीदाबाद का बदलना पड़ा उनको। उसके बाद हिसार में कुलदीप बिश्नोई का लड़का आया, सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतारना पड़ा, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल के बारे में पीछे चर्चा थी इनकी, वो बस वाली यात्रा नहीं थी इनकी, सारे एक बस में इकट्ठे करके भेजे थे, जो जींद भेजे थे, ये कोई तो चढ़न पाया कोई नहीं चढ़न पाया। तो वहाँ चर्चा ये आई थी कि नवीन जिंदल को चुनाव में उतारेंगे, लेकिन नवीन जिंदल भी हाथ खड़े कर गया। तो ये जो एक वातावरण है, और दूसरी तरफ ये पीछे 2-3 महीने का अगर सारा हम राजनीतिक दृश्य देखें, तो उसमें आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और उनके साथियों ने एक बात कही कि भाई हरियाणा में कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीट जीत जाएगी, कहीं ना ये बात। तो ये सारा जो राजनीतिक वातावरण है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आज सबसे मजबूत दल के रूप में उभर करके आई है। हमने जो काम करा है 5 साल में, जनता की सेवा करी है उसके आधार पे, और जो एक पारदर्शी शासन हमने हरियाणा प्रदेश में दिया उसके आधार पे, और पहली बार लोगों को लगने लगा कि कोई लोकतंत्र नाम की चीज हरियाणा प्रदेश में है, वरना तो लोकतंत्र कुछ मुट्ठियों में कैद था, जिसकी सरकार आई उसी के मुट्ठी में, नौकरी उसी के मुट्ठी में, ट्रांसफर उसी की मुट्ठी में, सीएलयू सारा सौदा उसकी मुट्ठी में, ये भी बात हम बारी बारी तक करेंगे। ये जो सारा एक वातावरण है, ये वातावरण की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ये वातावरण ये कहता है कि भाई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेगी। बराड़ा साहब, आपने कुलदीप बिश्नोई की बात करी है, नवीन जिंदल की बात करी है, भाजपा ने दिमाग में डाइवर्सन डाल रखी थी, मतलब ताम भी बिठाने फिर तो, मतलब वहीं बस में नहीं चढ़ाते थे, तो हम अपना कमल जरूर लाना चाहते इनकी जेब पे। नहीं है? ये तो हमने कुरुक्षेत्र की सीट करी है, कोशिश तो करी। नहीं 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 कर्मू भाई, बिल्कुल नहीं करी हमने कुरुक्षेत्र की सीट की जो आप चर्चा कर रहे हो, सबसे पहले डिक्लेयर करी ना, रोहतकाल में की दिक्कत आई, ये तो हर पार्टी की अपनी रणनीति हो ना भाई, रोहतकाल में तो बहुत कोई कुआं तो सनी देओल आ जाए, कोई यहाँ पर वो योगेश्वर दत्त आ जाए, भी सबसे पहले घोषित करी ना, रणदीप हुड्डा आ जाए, फिर भी सबसे पहले घोषित करी ना, ये तो हमारी रणनीति थी, सबसे पहले हमने घोषित करी, सबसे पहले हमारे नॉमिनेशन हो गए, और ये लोग तो बाकी सारे जुगाड़ फिटकरण के चक्कर में थे, और किसी का जुगाड़ होया नहीं, अब अपने अपने तरीके से सब लोग मैदान में। अच्छा सुन माई बराड़ा साहब, इसार और रोहतक, अरे हुड्डा साहब गाने थे सोनीपत, तीनों और सीट होगी है, राई गालना चाहो रोहतक में को, सारा जोर रोहतक में क्यों ला रखा है? तो दीपेंद्र का कि मैं घना है फड़का मान जो, नहीं किसी का फड़का नहीं है। अच्छा। हमने तो एक सीट पे नहीं मारा, तो 10 की 10 सीट के ऊपर पूरा जोर है, और 10 की 10 सीट पे हमारा एक एक पार्टी का वर्कर जुट करके और सीट जिताने के प्रयास में लगा हुआ है। दीपेंद्र का कोई खास वो नहीं है, कोई भाई आप कह रहे हो दीपेंद्र के पीछे पड़ रहे, दीपेंद्र के तो फड़का बार बार, जब भी स्पीच देवन जी बनोगा मेरे पाछे पड़ लिए, मैं दोगा पाछे पड़ लिए, टांगड़ा के करना चाहवा है, बात वही है ना, आज दीपेंद्र के ये बात अगर दीपेंद्र कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दीपेंद्र के घबराहट है, दीपेंद्र के बेचैनी है, वो जाडा चढ़ रहा है उस आदमी के। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 5 साल चली ना, इसने जो काम करे केंद्र में और हरियाणा में,
उसके कारण से दीपेंद्र का कसूता ज्यादा चल रहा है। अच्छा, बराड़ा साहब दो बार आप अभी जिस तरह दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष हो पार्टी की तरफ से, और जाटा का नाम पे भारतीय जनता पार्टी की जब वोट बैंक की बात करें, क्योंकि जातीय फैक्टर ने मैंने मान्या बहुत बढ़िया थाली है खाने की, और उसमें जातीय फैक्टर का मिर्च मसाला डाल के जीव राजनीति सजे है, तो जाटों को मतलब जाटा की नाराजगी सी रहे पार्टी से कि मैं खारसा खाए रहे भाजपा से, किला आप आपका नाम तय देंगे जाट वोट में। नहीं, ऐसा नहीं है कि जाट बीजेपी के नाम तक हार खा रहे हैं, ये तो कुछ लोग इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। और जहाँ तक देखो, एक बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू का जो आधार रहा है वो हरियाणा के शहरी क्षेत्र में रहा, और जाट कहाँ रहते हैं, देहात में, तो इसलिए उस कारण से थोड़ा सा संपर्क में ये देहात का एरिया हमारे से लेट आया, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में देहात का एरिया, चाहे उसमें किसी भी जात बरादरी का आदमी रहता हो, वो आया है, खास करके मजदूर और किसान ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। बराड़ा साहब नुशुनमाई है, जय प्रत्यक्ष रूप से उसकी बात करें तो राजकुमार सैनी जाट नॉन जाट की राजनीति कर रहा था, लेकिन भाजपा के ऊपर यू आरोप लग गए हैं, लोग कहे हैं पब्लिक मत है भाई इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट जाट नॉन जाट की राजनीति कर रही है भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को मानने वाली पार्टी है, जिसमें जात बरादरी की कहीं कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी में और हमारी पार्टी की जहां सरकार होती है उसके केंद्र में गरीब का कल्याण होता है, उसके केंद्र में मजदूर का कल्याण होता है, वहाँ किसी जात बरादरी की बात नहीं होती। अब हरियाणा में आप देख लो, जो हमारी 4.5 साल की सरकार बनी है, जाट नॉन जाट की राजनीति तो आप हरियाणा के संदर्भ में कह रहे हो ना, एक भी हमारी सरकार का फैसला, एक भी पार्टी का ऐसा फैसला जो ये सिद्ध कर दे कि जाट और नॉन जाट की राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल गलत आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी की है, और शहर की भी और गाँव देहात की भी है। चलती बात पर कहूँ जी, एक कोटा था जो ब्राह्मणों का, उसका जो मिला था SBC कोटा पे सरकार पीछे कदम क्यों उठा रही है, जबकि उस कोटे में मिल गया, वहाँ से खूब नौकरियाँ मिली, SBC कोटा पे सरकार चुप है, कोर्ट का नाम दबाना बना हुआ है या जो भी है, क्या कहोगे इस पर? नहीं, इसमें कहीं चुप नहीं है, सरकार ने इस मामले में जो भी करना था सरकार कर रही है, और बिल्कुल खुली नीयत से, कहीं कोई हमारी सरकार कोई लुका छुपा के बात नहीं करती है। इस प्रकार के आरोप भी कुछ लोग जो इनके राजनीतिक हित जो उस तरीके से अपना साधना चाहते हैं, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो आरोप लगाते हैं और खुद इस प्रकार की राजनीति करते हैं, वो इस तरह की बातें उठाते हैं। एक रुका तो पड़ गया जी, नौकरी दे दी, खूब नौकरी लागी, बालक लाग गए ग्रुप डी में, और निष्पक्ष भी लाग गए या ट्रांसपेरेंट भी लाग गए तारे अनुसार के वहाँ तो, लेकिन उसमें भी जो विरोधी हैं नो कहने लग रहे हैं, अब भाई नौकरी तो के दे दी, PhD करे हुए बोला कब पकड़ाऊंगे जा दफ्तर में, के नौकरी है, कलर के बनाए दिए बोला के इसी नौकरी का, बोला के आधार कार्ड इसी नौकरी की नो कहें। एक बात तो ये बताओ करमू भाई, आपने एक बात कही, नौकरी तो दे दी मेरिट के हिसाब से, तारे हिसाब से, यानी कि आप मारे हिसाब से कह रहे हो, तो आपके हिसाब से कि मेरिट पे नहीं दी हमने? नहीं, मेरिट आले भी कब प्लेट पकड़ाऊंगे? नहीं, इस बात का भी जवाब दूंगा ना, पहले तो मेरी बात इसका जवाब दे दो, कभी एक आध सवाल तो हमने भी करना चाहिए ना। मेरे हिसाब से मेरिट पे आधार पे है, आपके हिसाब से भी मेरिट है? नहीं, मेरिट के आधार पर तो होनी चाहिए, लेकिन वो डिजर्व किस चीज के लिए? एक मिनट के लिए, है ना, मेरिट के आधार पे है। दूसरी बात ये है करमू भाई, सबको ये पता है भाई डी ग्रुप की नौकरी लगेगी, उसके लिए फार्म भरा जाओगा, तो चाहे वो PhD है, चाहे MSc है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, वो अपनी मर्जी से फार्म भरे है ना, सरकार धक्के दे जाके तो डी ग्रुप में उसकी सिलेक्शन नहीं कर रही ना, वो अगले की इच्छा है, उस आदमी की इच्छा है कि वो उसने उसमें फार्म भरा और वो पेपर पास करके आ गया, उसको नौकरी लग गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई धक्के दे जाके नौकरी थोड़ी दे दी PhD को, डॉक्टर को, भाई तू PN की नौकरी देकर तू कब प्लेटा फार्म भरने की टाल कर दे, मतलब ये तो उसने देखना है, फार्म भरने की टाल कर दे, मैं नहीं कह सकता फार्म भरने की टाल कर दे, वो उस व्यक्ति ने देखना है उसने फार्म भरना कि नहीं भरना। अच्छा, जितने भी आपके प्रत्याशी हैं भाजपा के, हरियाणा की बात करेंगे आप खासकर, सारे मतलब खुद के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, चाहे तो मोदी की बात करेंगे चाहे विकास की बात करेंगे, मोदी और विकास ना कट है के कट जाएंगे जी सीट, मतलब खुद का भी तो कोई अपना रुतबा होता है। एक बात बताओ, खुद का रुतबा होता है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव
प्रधानमंत्री का है ना, है चुनाव प्रधानमंत्री का है तो बात प्रधानमंत्री की करी जाएगी। चुनाव दूसरे लोग चुनाव को घुमाने का प्रयास करते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है हम तो विकास के नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने 5 साल में जो गरीब का कल्याण कराया, देश का विकास कराया और देश को सुरक्षा दी, ये सारे मुद्दे तो हमारा पार्टी का कैंडिडेट रखेगा और डट करके रखना भी चाहिए। अच्छा, जगह, चुनाव जगह, है प्रधानमंत्री का जी, क्यों नहीं रखेगा? जगह जगह प्रत्याशियों के विरोध भी हो रहे हैं, चाहे रमेश कौशिक की बात करा, धर्मवीर सांसद की बात करा, रतनलाल कटारिया की बात करा, इस तरह के विरोध जी भावन है लिखड़ गया तो उस तक पब्लिक का मूड का बेरा पटा है। पब्लिक में कई ढाल का विरोध, बोले आया कहीं नहीं चल रहा हमारे दर तो, बोले इलेक्शन हम फेर दी गया, बोले विकास और मोदी ने आकर हटा कर उनका कंधा पर धर के बंदूक चलाने की सोच रहे हैं, बोले इबका कौन है बकाई मावा नो कह। देखो ये मतलब कर्मू भाई, ये चीज हर जगह होती है, कहीं कहीं कोई किसी न किसी की कोई समस्या रहती है तो अपनी बात को, आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें हर आदमी कहने का अपना अधिकार तो होता ही है लेकिन हिम्मत भी रखता है आज के दिन कहने की। लेकिन जिस तरह के विरोध की आप बात कर रहे हो, वो विरोध जो इस तरह का मुद्दा कोई बन जाए, वैसा विरोध पूरे हरियाणा में हमारे किसी भी कैंडिडेट का नहीं है क्योंकि हरियाणा में जो हमने सरकार दी, केंद्र में जो सरकार दी, आज चुनाव उस आधार के ऊपर हो रहा है। और मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, ये जो इस प्रकार के छिटपिट विरोध की जहाँ कहीं चर्चाएं आती हैं, इसमें बहुत सारी तो मैनिपुलेटेड भी होती हैं। मैनिपुलेटेड। अच्छा बराड़ा साहब ने कहा बोले अजीब भी कितने कामयाबी हासिल करनी, कुणबा के लड़ना चाहिए, कुणबा राजी तो सब राजी, ये भाजपा का कुणबा की हम बात करा तो इस कुणबा में कार्यकर्ताओं की नाराजगी अलग दिखा है और जिनने टिकट नहीं मिली उनकी नाराजगी अलग दिखा है। और मैं कई बार कह रहा हूँ चोट लागे पाछे खोपरा में खून बह रह जाए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और जो खून बह नहीं आनी और गुम चोट रह जाए वह खतरनाक है। भाजपा में कई बार वह गुम चोट नजर आवे है जो मैं तुम पे चढ़ाए बैठे हैं, ऊँ बैठे इकट्ठे लेकिन भीतर भीतर दीवार खींच रहे हैं बड्डी बड्डी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे ध्यान में एक बात आ रही है कर्मो भाई, आपने मेरा इंटरव्यू कराया था जींद उपचुनाव में, कराया था ना? कराया था जी। उस दिन भी शब्द आगे पाछे थे लेकिन भाव आपका कहने का उस दिन भी यही था, बोला के गुबार और अंदर अंदर गर्मी है, अरे गुबार का फूटना भरे बैठे, खूब तरह की बात आपने कही थी। मैंने एक बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी में टिकट कोई भी मांगता हो, जब टिकट का फैसला हो जाता है तो सब लोग मिल करके और अपना कैंडिडेट किस प्रकार से जीते इस बात का पूरा प्रयास करते हैं और वो जींद में भी करा। एक बात और मैं कहता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं की आपने बात कही, ये भारतीय जनता पार्टी ही इस देश के अंदर ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। यहाँ पर कार्यकर्ता अपनी बात कह देता है और कार्यकर्ता कोई अपने लिए नहीं कहता, कार्यकर्ता कहता अभी मैं वोट मांगने के लिए गया था, अगर मैंने 10 काम वहाँ के मैंने वोट लिए, गली के, नाली के, पानी के, बिजली के, सीवर के, अगर उसमें से एक नहीं हुआ तो मेरे तो दिक्कत आएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है तो वो इसलिए कहता है, वो चाहता है कि हमारे हरियाणा का विकास हो, हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम हम किस प्रकार से करें, कोई कमी पेशी रह गई है तो उसने कैसे दूर करके उस कमी पेशी को पूरा करते हुए हमारे उम्मीदवार को कैसे हम जिताएं, ये प्रयास रहता है। इसी चक्कर में जब कोई कार्यकर्ता बात कहता है तो आप लोग बड़ी गलत फहमी में आ जाते हो, हाँ बड़ी गलती कर देते हो आप लोग। ये जींद में भी आपने आप रिकॉर्डिंग उठा के देखी हो आप अपने उसके इंटरव्यू की, जींद में भी इसी प्रकार की बात की। मैं क्या करता, मैं क्या भाई डटके के कार्यकर्ता जुटा हुआ है और बड़े मार्जिन के साथ हम जींद उपचुनाव जीतेंगे, रो जीतिया ना नहीं कार्यकर्ता पदाधिकारी जी बनू कहे नहीं, बोले जी हमारी बात हम कितने उलझ जाने, पार्टी हाईकमान के नेता बड़े नेता आप जी से फिर नु कह दे राष्ट्र देश देशभक्ति भारत माता की जय, क्या कह दे बोले आड़ घुमा दे फिर बात ने, बोला देश पहले है सब कुछ बाद में, काम हो चाहे ना हो देश का तर लागे रहो, तो देश का नाम पड़ जाए नहीं फिर लागे रहना, लागे रहना नहीं अच्छी बात है, देश के लिए काम करना था अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन उनका जमा मलिया मेट हो जाए कार्यकर्ता बेचारा अपना, वो तो आपकी नजर में मलिया मेट, अच्छा, है ना, हमारी नजर में मलिया मेट नहीं है और ना ही कार्यकर्ता, देखो ना ही कार्यकर्ता की नजर में मलिया मेट। लेकिन ये भी तो एक पार्टी ऐसी पार्टी है, आपने अपनी जबान पे एक बात कही है कि वो देश और उसकी बात करेंगे, है देश की तो बात जो भी करेगा वो अच्छा है जी, करनी चाहिए देश की बात, तो इसका मतलब क्या है
कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो हम कहते हैं, आपने उस बात पे मोहर लगाई कि हमारे लिए देश पहले है, फिर पार्टी और फिर खुद का नंबर आता है। देश के नाम पर राजनीति हो या फिर मुद्दे के आधार पर राजनीति हो? देखिए, देश है तो मुद्दे हैं करमू भाई, ये मुद्दे की हत्या हो जाए तो ये मुद्दे की कोई भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे की हत्या ना हुई और ना किसी में करने की। आर्टिकल 370 है, राम मंदिर है, इस तरह के जो मुद्दे हैं और GST नोटबंदी, इनके कुछ मतलब मिली जुली राय हुआ है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मतलब इलेक्शन के टाइम पर दिखे हैं, उभरे हुए हैं, जब चुनाव के नतीजे आले हैं, सत्ता में आ जाए उस टाइम वो दफन हो जाए और जब इलेक्शन आओ फिर पैड पैड लिया हुए भीतर थे वो मुद्दे की हत्या हुई क्यों हुई? देखो, दो मुद्दे आपने धारा 370 की बात की। भारतीय जनता पार्टी का आज भी कहना है, जिस दिन हमारा दोनों सदनों के अंदर पूर्ण बहुमत होगा, क्योंकि दोनों सदनों में बहुमत चाहिए इसके लिए, तो भारतीय जनता पार्टी धारा 370 को हटाएगी। अगली बात आपने की राम मंदिर की, आज जो राम मंदिर बनने के नजदीक जो कहानी लगी है उसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने लंबे समय से प्रयास कर रही थी, वो प्रयास और जो अन्य संगठन लग रहे थे, बहुत सारे संगठन लग रहे थे, विश्व हिंदू परिषद जैसे, ये सब संगठन लग रहे थे, इसीलिए तो आज बात यहाँ तक पहुंची है कि राम मंदिर का निर्माण बहुत नजदीक दिखाई देता है। एक बात। दूसरी बात ये, आप भी बहुत लोगों के इंटरव्यू लो, एक दिन किसी भी कांग्रेस आड़े थे, किसी भी राहुल गांधी से टकरा जाओ तो राहुल गांधी से पूछ लो, सोनिया से पूछ लो, प्रियंका से पूछ लो, है पूछना चाहिए, हमने पूछना चाहिए, है और उन तक नहीं मत तो कम से कम हुड्डा साहब इनते तो पूछ लो, ये पूछ लियो गेड़ा दे के कहीं कहीं के भाई बीजेपी आले तो डंके की चोट पे गए, वहां राम का मंदिर बनना चाहिए, तारी राय तो बता दो, हमें भी तो कह दो, हमें क्यों तारा क्यों वकील जाकर के कपिल सिब्बल सोनिया गांधी का खासम खास, राहुल गांधी का खासम खास वहां जाकर के कहता है, कोर्ट में जाकर के पंगे वो करता है कि राम मंदिर के निर्माण में किस प्रकार की कानूनी अड़चन आवे, ये काम सबसे ज्यादा और कोई कर रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है जी, मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी वार्तालाप, मैं थोड़ा और विकास की रफ्तार है जो कई जने तो नुकसान बोला टोया नहीं पाता विकास, हालांकि आपका छोरा का नाम भी विकास है, लेकिन विकास की रफ्तार की में स्लो है, एक टीवी में ऐड नहीं आती बोला तेरा साबुन स्लो है, थारा विकास थोड़ा स्लो है रफ्तार की में। नहीं ऐसा नहीं है, देखो सारी सड़कों के ऊपर काम चल रहा है, आप कहीं भी देख लोगे जहाँ कहीं भी सड़कों में कहीं पीछे लगातार बारिश रही उसके कारण से कोई खड्डे हुए और हुए, सारी की रिपेयर, सारी की मेंटेनेंस और कारपेटिंग का काम जोर से चल रहा है। मतलब फर्क इतना है गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढे, ऐसा नहीं है कोई छिद्दी माड़ी सड़क कहीं ना कहीं कोई खराब मिले, बाकी ज्यादातर सड़कें हमारे राज्य में बहुत बढ़िया बनी है और इनकी क्वालिटी जो काम होता है करमू भाई आप उसकी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी के साथ कहीं कोई समझौता हमारी सरकार में नहीं किया जाता कोई भी काम। बराड़ा साहब ने कहा हमें तो अपना न डूबा गैरों में कहा दम था, हमारी कुश्ती वड़ा डूबी जड़ा पानी कम था, आपकी पार्टी आलिया ने जिन्हें टिकट नहीं मिली वो मुंह तुम्बे चढ़ाए बैठे हैं, उनके मनान का वो करोगे अगर अपने कैंपेन चलाओगे, कई जगह तुम्बे चढ़ रहे हैं, उनका क्या इलाज है? नहीं कहीं कोई तुम्बा किसी का नहीं चढ़ रहा, राजीव जैन का तुम्बा चढ़ रहा है? नहीं, गलत कह रहे, गलत, बिल्कुल ही गलत, गलत ऑब्जर्वेशन है मेरी, बहुत ही गलत ऑब्जर्वेशन। राजीव जैन का क्यों चढ़ेगा? राजीव जैन ने कुछ टिकट मांग रखी थी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं मांग रखी थी। आप थोड़ा सा है ना अपने जो सोर्स है उन्हें थोड़ा सा पावरफुल मजबूत कर लिया, मजबूत करो। अच्छा, आपके भी थोड़ी इस हार की चसक थी टिकट की? मेरे में पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार में 2000 से पार्टी ने मेरे को प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी, कभी युवा मोर्चा, कभी किसान मोर्चा, कभी प्रदेश में पार्टी में मंत्री, कभी महामंत्री अध्यक्ष, बढ़िया पता है, काम करके दिखाया हमने, काम के आधार पे पार्टी ने जिम्मेवारी दी और ये चुनाव भी जो हमारा था इस चुनाव में भी
हमने बैठ करके रणनीति बनाई पूरी पार्टी की टीम ने, और उस रणनीति के आधार पे जहां से भी जो उम्मीदवार फिट हमारा बैठे था उस उम्मीदवार को हम मैदान में के अंदर लेकर के आए। किसी के नाते प्रदेश अध्यक्ष का नाते मेरे लड़ना कोई जरूरी नहीं, और पार्टी में इस प्रकार की कोई चर्चा भी नहीं थी। ये चर्चा तो आप जैसे मीडिया के लोगों ने इस प्रकार की चर्चा चलाई थी। हमने सुर छोड़ दिया है, सूर्य तम तो पड़े सूर्य छोड़ने में। अच्छा, इस बात का कोई मतलब आपके मतलब जो पूछूं, मलमलाट तो नहीं रहा भाई, टिकट मिली नहीं रो नहीं, मलमलाट तो जदो जो मैं टिकट के पाछे पड़ रहे हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, कैंपेन आप इस इलाका में करो, खासकर सिरसा यार और बाहर भी लगड़ो। नहीं नहीं, सारे जाना होता है, मैं प्रदेश में आप एक एक लोकसभा का मेरा पीछे 2-3 महीने का जो मेरे टूर प्रोग्राम उठा करके देखो, और अब जहाँ तक 3-4 दिन की बात है नॉमिनेशन के बाद, नॉमिनेशन से पहले सब जगह घूमे हैं। अब हमने सब बड़े नेताओं को कहीं न कहीं 2-2, 3-3, 4-4 सीटों पर कंसनट्रेट करना, बाकी पूरे प्रदेश को भी देखना, कुछ सीटों को कंसनट्रेट करके देखना, इसी की योजना बनाई है। और हम सारा काम जिसको भी देना है हम योजनाबद्ध तरीके से दे रहे हैं। नाम बड़े कसुत कसुत टोक लियाओ पन्ना प्रमुख सम्मेलन, आज देखा तो दिमाग में बढ़ रही बात, ये विरोध दिखे, मैं यू पन्ना प्रमुख है कि ये नाम करते टोक लिया, और इसके पीछे के लो जी पन्ना प्रमुख, ये किसके पन्ने खोलोगे, किसके पाड़ोगे? देखो एक बात आपने के अभी ये करते काट के लियाओ, हमने तो दिमाग घूम रहा कहीं का, दिमाग नहीं, अब देखियो रिजल्ट आएगा तो पूरे घूम जाओगे ये लोग, ये पन्ने पाट जाएंगे, ये इनके पन्ने पाटे पड़े हैं। एक बात देखो आप करमो भाई, जब तक ये लोग टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए उस टाइम तक तो हमने सारे हमारे पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन लगभग कर दिए थे। 90 के 90 हलकों में 3-4 हलके हमारे बचे थे, सारे हलकों में हमने सोच खत्म और तो शुरू हुआ। हमने हमने मतलब ये तो आप कुछ भी कह सको इस बात ने, हमने मतलब हमारा काम वो पूरा कर लिया था पन्ना प्रमुख वाला, और ये हमारा ऐसा हथियार है ये कार्यकर्ता, इस कार्यकर्ता के आधार पे ही आज भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के रूप में 11 सदस्यों से शुरू हुई थी करमो भाई, आज 11 करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये ब्रह्मशास्त्र पन्ना प्रमुख ये नहीं, खाली पन्ना प्रमुख नहीं, जो हमारा कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता और जो हमारा कार्यक्रम होता है वो ही हमारा ब्रह्मास्त्र है इस, और हमारी विचारधारा, ये सारी चीजें मिलकर के ये पार्टी आज इतनी बड़ी बनी है। और आज देख लो ना, कांग्रेस पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो राष्ट्रीय पार्टी बात करना सबसे छोटी होगी, और भारतीय जनसंघ जो सबसे छोटी पार्टी थी आज सबसे बड़ी पार्टी होगी। बराड़ा साहब, हूँ तो व्यापारी हैं जितने भी, सबका लिए कुछ न कुछ सुरक्षा प्रबंध होया करें, और उनका माल सुरक्षित भी रह सके। जो अपना धरती पुत्र है, अन्नदाता है, किसान है, उसका माल असुरक्षित है, सबसे खुले में उसका माल रहे, प्राकृतिक आपदा उसने झेलनी पड़ जाए है, उसके बावजूद भी जो सरसों का जो सरकारी रेट करा 4200 है, उसने बेचारे 3600 में टपानी पड़ रही है, वो काम हो रहा है, बोले मरता क्या नहीं करता, ये इस तरह की बात में क्यों फर्क पावे, फर्क क्यों पड़े? देखो बात आपकी ठीक है, खुला में उसका किसान का सारा सौदा खुले में है, और किसान खुद अपना खून पसीना एक करके अपना पेट काट करके दूसरे का पेट भरने का काम करता है, और इसीलिए तो हमारी सरकार जब से देश और प्रदेश में आई, किसान को एक तो उसकी आमदनी दुगुनी हो, 2022 तक मोदी जी ने इस बात का प्रबंध करना शुरू कर रखा है, चाहे उसको 1.5 गुना लागत के आधार पर 1.5 गुना भाव देने की बात हो, या फिर किसान की फसल का बीमा करके उसको हरियाणा प्रदेश का टोटल हम देखा ना 4.5 साल का कार्यकाल बीजेपी की सरकार का, हमने किसान को मुआवजा और फसल बीमा योजना के तहत जो मदद मिलनी होती है किसान को खराबे की, लगभग 4.5 हजार करोड़ के आसपास अब तक किसान के खाते में जा चुका है। ये बड़ी बात है, अगर किसान किसान को अगर सुरक्षित करने का जो काम कोई कर पाई कोई पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी कर पाई, और भी बहुत सारे कदम अगली सरकार आप आएगी तो देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे किसान को मजबूत बनाती है। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, योजना है नहीं 90% इसी पाऊंगी, हो जाएगा, हो सकेगा, कर देंगे, और 24 में हो जाएगा, 29 में हो जाएगा, ये मतलब या क्यों नहीं पाती, ये हो गया है, हो चुका है, इस ढाल की इसमें फर्क क्यों है बाद में, हो जाएगा, होगा, फसल चल रहा है, प्रोसेस फसल बीमा रहे। फसल बीमा योजना होगी, लागू होगी ना, होगी होगी ना, किसान के खाते में नरेंद्र मोदी ने 6000 रुपये साल की डालने थे, 4000 डल गए ना, यूं तो तोड़ दिया कांग्रेस वाले ने, बता रहा है
72 साल की कांग्रेस तो शुरू तक तोड़न लग रही है। जवाहरलाल नेहरू का टाइम तो इस तरह के न्याय करने लगी थी, आज तक तो अन्याय अन्याय कटते देंगे। अब एक पीछे इनकी आप स्टेटमेंट इनकी उठाओ, नहीं आप नहीं संदे मिला, नहीं संदे किसी को मिले 72। हम तो चाहे 72 की जाए वो डबल दे दें वो, लेकिन देवेंगे किस तरह ये तो पूछो उनसे। राहुल गांधी अलग बोलता है, राहुल गांधी पहले कहता है कि 12,000 महीने के देंगे, कहे ना और साल के 72,000 देंगे, उसका गणित गड़बड़ा गया। फिर कह बोलेगा महीने के 72,000 देंगे, फिर कह के ये टॉप अप योजना है, राहुल गांधी कहता है बिचड़ रहे हैं। हाँ, और रणदीप सुरजेवाला बराबर आकर के कहता है नहीं ये टॉप अप योजना नहीं है, ये कंप्लीट योजना है। प्रियंका गांधी कुछ और बात कहती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आदमी सच्ची बात बोलता है ना कर्मू भाई, उसको कदम कदम पे अपने बोल बदलने नहीं पड़ते, अपनी बात बदलने नहीं पड़ती, झूठियां भरा खींचा खींचा फिर। हाँ, आदमी अगर सच्ची बोलेगा तो वो उसने अपनी बात थोड़ी बदलनी पड़ेगी। वो तो आज भी कहेगा भी मैं 72,000 दूंगा, तड़के भी कहेगा, परसों भी कहेगा, लेकिन वो आदमी झूठा आदमी है, झूठ बोले। आखिरी सवाल है, जींद का उपचुनाव में मैंने पूछी थी किसका प्रदर्शन होगा, वह तो आपकी बात गई पारो पार, बड़ी जीत करांगे, जीत गए उस हिसाब से। जो अपने हरियाणा के चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव है, 10 लोकसभा है, क्या सीटों में जीतने का दावा कर रहे हो? 10 की 10 पक्की बात है जी, कोई इसमें कसर नहीं, कोई इसमें शक नहीं। ये मैं नहीं कहता, जीत के बाद तो नहीं मिले आके, मैं आपको आज कहता हूँ, मैं आप मिलिए 23 तारीख को शाम को, फोन मेरे से कर लीजिए या मैं कर लूंगा, क्लीन स्वीप होगा, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीतेगी और नरेंद्र मोदी पिछले से भी ज्यादा बहुमत से प्रधानमंत्री अगली बार बनेंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने करेला का जूस पी कर रहा था जी, मैं मीठे मीठे सवाल करे और जलेबी वर्गे सीधे सीधे सवाल करे और वीडियो देखियो। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सुभाष बराड़ा जी थे, हमने भीतर की बात करी और इनकी भीतर की बांप कटवाई और मैंने ऐसा लगा है जब बैठ के प्रोग्राम कराऊँ उससे बढ़िया हो गया चलते चलते में। और हिसाब लाइयो भाई भाजपा की क्या स्थिति है, और वीडियो देखकर नीचे कमेंट जरूर करियो और हिसाब ला के लिखियो कौन कितना पानी में है, क्यूकर भाजपा का क्या प्रदर्शन रहेगा, इलेक्शन तकड़ा होगा इसमें कोई दो राय नहीं है, कसूती खींचतान बनेगी, कौन मतलब किसके बाट लगेगी, कौन हिट विकेट होगा, कौन रन आउट होगा और महासंग्राम है यू, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिलेगा। बने रहो तो हम संसार क्रांति के लिए अगली बार किसी न किसी और नेता से या प्रत्याशी से हम रूबरू करवावेंगे भीतर की बात कार्यक्रम में और कटवावेंगे उनकी भीतर की भाप। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूं तारा देशी पत्रकार कर्मू, जय हरियाणा।